फतेहपुर के चांदपुर थाना क्षेत्र के दपसोरा गांव में नाग पंचमी के पर्व पर गांव के बच्चे यमुना नदी स्नान करने गए थे। एक किशोर और एक किशोरी गहरे पानी में डूबने से मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों को बुलाकर नदी में उतारकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इस बाबत चांदपुर थाना अध्यक्ष केशव शर्मा ने बताया कि नहाते समय दोनों बच्चे गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। जब तक वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते, दोनों ही आंखों से ओझल हो चुके थे। जो मैं वहीं था, मौजूद था सर, बच्चों को मैंने निकाला है, इनको सबको निकाल के जैसे ही 10 लाठी के लमसम में आगे बढ़ गया हूँ, वैसे ही मुझे एक केवट था वहाँ जो मल्ला है, मतलब मछली मार रहा था, उसने आवाज़ लगाई है कि देखो रमेश ये लड़का डूब रहा है। तो हम दौड़ के गए, 4-5 लड़के थे, तो 2-3 लड़के मेरे साथ वाले उसको कूद के पकड़ने की कोशिश की है, मगर वो हमको मिला नहीं है। थोड़ी ही देर बाद ये हुआ कि ये बच्ची भी डूब गई है। थाना चांदपुर अंतर्गत धपशौरा गांव के कुछ बच्चे जमुना नदी में नहाने के लिए गए हुए थे। इन बच्चों के साथ 1 7 वर्ष की बच्ची और 11 वर्ष का लड़का भी था। नहाते हुए ये दोनों बच्चे जमुना नदी की तेज धारा में बह गए। गांव वालों के शोर पर स्थानीय लोग वहां पर पहुंचे। पुलिस की मदद से और गोताखोरों की मदद से दोनों बच्चों के तलाशने का प्रयास जारी है। अभी तक दोनों बच्चों की कोई खबर नहीं मिल सकी है। प्रयास जारी।